नमस्कार, मैं डॉक्टर गर्ग आज आपसे बात करने वाला हूं कैस्टर ऑयल के बारे में, अरंडी का तेल। मैं सोचता हूं आप सभी इस नाम से भी परिचित होंगे और इस तेल से भी परिचित होंगे। यह अरंडी के बीज या फलियों से निकाला जाता है और इसका औषधीय गुण का लाभ हम सदियों से उठाते आए हैं। मोस्ट कॉमनली कैस्टर ऑयल का उपयोग हम कब्ज, क्रोनिक कब्ज या कॉन्स्टिपेशन के लिए उपयोग में आते हैं, जैसे पेट में क्रैम्स आना है, दर्द होना है, पेट में कीड़े हो जाना है, छोटे बच्चों के जिसको कॉमन भाषा में चुन्ने बोला जाता है, उनको एनएस पे खुजली होती है, कीड़े काटते हैं उनको, उसके लिए भी इसका उपयोग होता है। तो क्वेश्चन उठता है, क्या यह तेल हमारे बालों के लिए, डैंड्रफ के लिए, बालों की लेंथ के लिए क्या हम इसका उपयोग कर सकते हैं? तो मैंने इसके बारे में खोजा और पाया कि यस, इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके ये काफ़ी थिक ऑयल होता है, काफ़ी थिक, और इसके लिए सोप बनाने के लिए, लुब्रिकेंट के लिए, शाइनिंग के लिए उपयोग होता है। इसकी सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी होती है, ये एक शाइनिंग एजेंट है, एक मॉइस्चराइजिंग एजेंट है, अतः इसका बालों के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। बालों के लिए किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है? इसको बालों पे एक अरंडी का तेल या कैस्टर ऑयल के मास्क के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, मेनली डैंड्रफ के लिए और बालों की शाइनिंग को बढ़ाने के लिए। जैसे मैंने कहा, त्वचा पे यदि इसको लगाना है तो शाइनिंग को बढ़ा सकता है, लेकिन ये थिक होता है और स्टेन करता है, अतः इस ऑयल को हमेशा किसी अन्य ऑयल के साथ में मिक्स करके लगाना चाहिए। अब मैं बताता हूं कैस्टर ऑयल का हेयर के लिए मास्क के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है। मैंने कहा कैस्टर ऑयल काफी थिक ऑयल होता है, इसका स्टेन मतलब निशान पड़ जाता है, अतः जब आपका उपयोग करें तो कोई अपनी पुरानी शर्ट या टी शर्ट जिसको आप रूटीनली नहीं पहनते हैं उसका उपयोग करिएगा, और इसके अंदर कोकोनट ऑयल या किसी अन्य ऑयल को मिला करके थोड़ा थिन बना करके बालों पे इसको लगाइएगा। एग्जैक्ट टाइमिंग के बारे में नहीं, लेकिन 2 घंटे के लिए हम इसको सिर पे लगा लें। ध्यान रखें कि ऑयल ड्रिबल नहीं करे, मतलब लीक नहीं करे, लीक बाहर ऐसे बहे नहीं, और उसके बाद में उसके ऊपर पॉलीथिन की एक कैप को पहन ले, और मैक्सिमम टाइम 2 आवर्स बहुत है। ये आपके डैंड्रफ को कम करेगा ऐसा भी कहा जाता है, हालांकि ये प्रूवन नहीं है, इसके बारे में कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कैस्टर ऑयल का उपयोग किया जाता है तो बालों की लेंथ जो 1 महीने में प्रायः 1 सेंटीमीटर बढ़ती है, इसको लगाने से 2 से 3 सेंटीमीटर की लेंथ 1 महीने में बढ़ सकती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि हर दूसरे दिन इस ऑयल का उपयोग करें, क्योंकि ये ऑयल थिक होता है और बालों को चिपका देता है, मैटिंग कर देगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, डाइल्यूट करके लगाना है, बहुत फ्रीक्वेंटली इसका उपयोग नहीं करना है, महीने में 1 बार इज गुड इनफ, 2 आवर्स इज गुड इनफ। इस तरीके से आप कैस्टर ऑयल का उपयोग अपने बालों की शाइनिंग को बढ़ाने के लिए, डैंड्रफ को कम करने के लिए या उसको ट्रीट करने के लिए और हेयर की लेंथ को बढ़ाने के लिए कैस्टर ऑयल का उपयोग आप कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।